काल तारण गुरु नानक आया, काल तारण गुरु नानक आया। जी हां, गुरु नानक देव जी इस संसार में कलयुग को तारने के लिए ही आए थे। उस अकाल पुरख का रूप, उस प्रभु परमात्मा का रूप गुरु नानक, जिन्हें संसार के सभी लोगों ने, सभी धर्मों को मानने वालों ने नमस्कार किया। गुरु नानक देव जी ने अपने पावन पवित्र चरणों से इस संसार के 9 हिस्सों को तय किया। अपनी 4 उदासियों के दौरान गुरु नानक देव जी कहां कहां गए, हम भाई बाले वाली साखी में से आपके साथ यह सब सांझी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने सिंध प्रदेश में किस प्रकार से एक नाथ को उस द्वारा अपनाए हुए योगी जीवन की तारीफ करते हुए उसको उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश दिया, अपने उस ज्ञान को बांटा और गुरु साहब आके एक ऐसे राज्य में पहुंचते हैं जहां पर ना अन्न है, ना वस्त्र है और ना ही अग्नि। आओ, पाई बाले वाली साखी में से गुरु नानक देव जी की वह यात्रा श्रवण करने का यत्न करें। गुरु साहब एक बार अपने दोनों प्रिय भक्तों पाई बाला जी और पाई मर्दाना जी को साथ लेकर ऐसे देश में पहुंचे जहां पर ना तो अन्न था, ना ही अग्नि थी। यह दोनों वस्तुएं वहां नहीं थी। वे लोग दुंबा मारकर उसके मांस पर पत्थर रखकर सूर्य देवता का जाप करते थे, जिससे वह मांस पक जाता था, फिर उसे खाते थे। अतिथि की सेवा भी मांस से ही किया करते थे। ऐसे नगर के बाहर गुरुजी जा बैठे। एक अय्याली दुंबे को मारने वाला उस देश में अय्याली के नाम से जाना जाता था। घूमता घूमता वहां आया, उसने गुरुजी को देखा, गुरुजी के सेवकों को देखा और नमस्कार करते हुए कहने लगा, हे साधु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दुंबा मार सकता हूं। आप उसे खाने का कष्ट करेंगे? यदि मैं इस प्रकार आपकी सेवा ना करूं तो मुझे मेरा स्वामी क्रोधित होकर दंड देगा और कहेगा कि तुमने अतिथियों को भूखे क्यों रखा, क्योंकि यह हमारे नगर का नियम है। हमारे देश में अन्न और अग्नि दोनों ही नहीं होते। दुंबे की बात सुनकर नानक निरंकारी जी कहने लगे, सेवक, जैसी तुम्हारी मर्यादा है करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इतनी बात सुनकर वह अय्याली एक दुंबा मारकर उसका मांस एक पत्थर पर रखकर उसके ऊपर दूसरा पत्थर रखकर सूर्य का जाप करने लगा। सवा पहर बीतने पर मांस पक कर तैयार हुआ। तब उसने गुरु नानक जी को प्रार्थना की कि आप इसे स्वीकार करो। गुरु नानक जी कहने लगे, इस दुंबे की खाल और अस्थियां एकत्र करो,
जब एकत्र की गई तब गुरुजी ने कहा, हे दुम्बे, उठो, उठकर घास खाओ। बस इतना कहने की देर थी, वह दुम्बा सावधान होकर खड़ा हो गया और घास चरने लगा। यह कोतक देखकर अयाली हैरान हो गया। तब गुरुजी ने अयाली को कहा, हे सेवक, हे मित्र, तू जा नगर में जाकर किसी बड़े आदमी को कह कि चलो, बाहर एक संत तुमको बुला रहा है और परमात्मा से तुमको अन्न और अग्नि लेकर देगा। गुरु नानक देव जी की इतनी बात सुनकर वह अयाली नगर की ओर भागा और अपने नगर के एक धनी से जाकर कहने लगा, सेठ जी, नगर के बाहर एक संत बैठा है, उसने मरे हुए दुम्बे को दोबारा जीवित किया है, बहुत परोपकारी है, बहुत शक्तिशाली है, तथा अब वह कहता है कि मैं इस नगर के निवासियों को अग्नि और अन्न परमात्मा से दिला सकता हूं। अयाली की बात सुनकर वह धनी पहले तो हैरान हुआ, कुछ क्षण सोचने के पश्चात गुरुजी के पास आकर प्रणाम करके बैठ गया। गुरुजी कहने लगे, हे मित्र, साधु के पास आए हो? साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जाओ, आप थोड़ा सा अन्न लेकर आओ। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर वह धनी सेठ कहने लगा, महाराज, हमारे नगर में अन्न नहीं होता। हां, यदि कहें तो मैं राजा से जाकर कह देता हूं। तब वह धनी सेठ राजा के निकट गया और कहने लगा, हे राजन, नगर के बाहर एक साधु आया है, वह कहता है कि परमात्मा से तुम लोगों को अन्न और अग्नि दिलवा दूंगा। तब राजा अपने मंत्री को साथ लेकर गुरुजी के पास आया और नमस्कार किया। गुरुजी कहने लगे, हे राजन, यदि तुम लोग ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से ग्रहण करो तो वह परमात्मा तुम्हें सभी कुछ दे देगा। गुरुजी की इतनी बात सुनकर तमाम प्रजा के साथ राजा ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करने लगा और गुरुजी का शिष्य बन गया। फिर गुरुजी कहने लगे, हे राजन, जाओ नगर से अन्न ले आओ। तब सारे नगर से एक शेर भर अन्न मिला। गुरुजी की आज्ञा से वह अन्न धरती में बो दिया गया। जब वह पक गया तो गुरुजी ने कहा, इसे काट कर गोह लो। जब सभी कार्य पूर्ण हुआ तब गुरुजी की कृपा से अपार अन्न हो गया। फिर गुरुजी ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार समय पर उस ईश्वर का नाम लेकर अन्न बोया करो, तब वह ईश्वर कोई त्रुटि नहीं आने देगा। फिर गुरुजी ने पत्थर पर पत्थर मारकर उनको अग्नि प्रदान की। तब उस नगर में सभी ओर धन्य गुरु नानक के जयकारे लगने लगे। तो गुरुजी कहने लगे, नहीं, यह सब कृपा उस ईश्वर की है, प्रभु की है, उसी के जयकारे लगाओ, उसी को धन्य कहो।
नगर के सभी नर नारी गुरु जी के चरणों में गिर गए। गुरु जी कहने लगे, अतिथि की सेवा करो, गरीबों की पालना करो, हर समय ईश्वर स्मरण करो, तब तुम सबका कल्याण होगा। इतना उपदेश देकर गुरु जी वहां से चलने लगे। वहां खड़े नगर के सभी लोग उदास हो गए। फिर गुरु जी ने कुछ और समय वहां व्यतीत किया। सबको प्रसन्न करके गुरु नानक देव जी अपने दोनों भक्तों के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हो गए। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।